जी, हमने देखा है कि आप एक लड़की के साथ लाइफ आते हैं, क्या नाम है उसका? एलजी जमाली। कौन है वो? दोस्त है हमारे, टिकटक की पार्टनर है। और सिर्फ दोस्त, रियल लाइफ की पार्टनर? कैसे रियल लाइफ की पार्टनर, व्हाट डू यू मीन? जैसे होती है यार, जिसकी मतलब हाथ पकड़ के चलते है, और जब एज हो जाती है वही मतलब चमरी हुई गाल लेके हंसते और साथ बैठे आगे देखे कि चिंटी चिंटी खेल खेल रही है, वही यार झगड़े करे, लड़ाई करे, हंसे, नाचे, गाए। तो कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू डिस्क्राइब योर फर्स्ट लाइफ विद हर, लाइक क्या था, कैसे फील हुआ आपको, एंड व्हाई हर? आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी, ऑफ कोर्स यू आर यंग, यू आर हैंडसम, आपको तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। होंगे नहीं है। अरे ये क्यों तुम बोली कि मतलब अपॉर्चुनिटीज है कितनी सारी है? ये सब हुआ हुआ मतलब उसकी वजह से है ना यार, जिसकी वजह से ये सब अपॉर्चुनिटीज हुई, जो लोग मुझे पहचाने लगे। आज जो लड़की अभी क्यों क्यों मुझे मेरे पीछे, जो मतलब होंगे कोई, मतलब जो तुमने बोली मतलब ये तो नहीं फिलहाल, जो तुम सोचती हो, आप सोचती हो, सॉरी आप सोचती हो, मतलब वो प्यार करती है, वो प्यार कैसे करने लगी, जो अभी मुझे जो मिला है, मिलने से पहले तो मतलब ना मिलने से पहले तो कुछ था ही नहीं, तो जब कुछ नहीं था तब वो थी, अब सब कुछ दे देते सब है वही है। तो अब जब आपके पास सब कुछ है तो आप उसको सब देना चाहते हो? जो मेरा है वो उसका ही है। तो इतनी इम्पोर्टेंट है तो वो आपके साथ आई क्यों नहीं? हमने सुना है कि उसमें बड़ा एटीट्यूड है। तो बात वो क्यों नहीं आई? आई है ना, कहीं छुपा के रखता हूँ, वो दिखाने के दिल नहीं करता। क्या ये बात सच है कि आप उसको लेके काफी प्रोटेक्टिव हो? वो ये तो पता नहीं, अब दिल जो करता है वो अब दिल को पता होगी। आप कोई सिचुएशन, आपकी एक वीडियो थी जिसमें कोई आपको दूर से वीडियो शूट कर रहा था, एंड देन आप उसको ऐसे कर रहे थे कि कैमरा थोड़ा दूर रखो, करो। हाँ वो बात यार, हाँ वो लोग बोले थे कि एटीट्यूड ये वगैरह, पर एटीट्यूड नहीं है। अब अगर आप समझते हैं तो एटीट्यूड आना तो करिए। अब 10 लोग भी मेरे सामने आके ऐसे बिना ही बजाय मतलब कैमरा ऐसे करे तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब बस मुझे कर रहे ठीक है, पर वो थोड़ी वो हो जाती है यार, अंदर से आ जाती है, मतलब उसको लेके आप प्रोटेक्टिव है, आ जाती है, ऐसे ऐसी आती है, अब ये या नहीं हो तो दिखने वाले दिख रहा है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब सभी के दिमाग में होता है, एलिजे को आपने मतलब रिंग जब दी, आपने उसको रिंग दी है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। तो वो आपने उसके फेस देखे बिना उसको रिंग दी, क्यों? कैसे क्यों यार, फेस में है क्या यार, मतलब वो आने के बाद काफ़ी कुछ समझ लिया हूँ। तो पहले सोचता था कि अच्छी सी लड़की, सुंदर सी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, अब सोचता हूँ कि अच्छी सी लड़की, सुंदर सी लड़की नहीं, शक्ल से नहीं, दिल से होना चाहिए। पहले शक्ल में था सोच, अब दिल में वही है। तो सो यू मीन लाइक शी इज नॉट प्रिटी, हैव यू सीन हर? बिल्कुल क्यों नहीं देखा, देखा है आपने उसे? जरूर, मसाला मैं तो नहीं लगा। So, like, वो आपने कैसे सोचा था उससे और वो कैसी निकली? मैंने सोचा ही कुछ नहीं था यार, कुछ था ही नहीं यार, मतलब दिमाग में कुछ आती नहीं थी, क्योंकि मुझे दिमाग में लेने भी दिल नहीं करती थी, क्योंकि मैंने बस उसका इतना देखा था तो उसके नीचे की मैं सोचता ही नहीं था। क्यों नहीं सोचता था? क्योंकि बस मेरी इतनी तक ही जाती थी, जैसे कि अगर खुदा ने किसी मतलब जो हमें बनाया है, अगर उस उनने ये सब तो उनने बनाई ना यार, ये जो बनाई है, और उन्हें बस इतना ही बनाई होती थी तो हम उससे नीचे की सोचते कभी नहीं थे। नहीं। तो मेरे लिए भी वो वही थी, न्यू बॉर्न टाइप की जो खुदा ने बनाई थी, तो मैंने बस उस पर इतना ही, मेरे लिए उसमें इतना ही काफ़ी थी। तो जब उसके वो देखा तो तब पता चली कि ये भी होती है चीज़। तो वही है, उससे पहले तो बस उसमें ही ठीक थी। तो आप मतलब आपने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि वो कैसी होगी, कैसी नहीं। तो आपको डिफरेंट नहीं लगा कि यार ये बिना नकाब के मैं कैसे कंफर्टेबल हूँगा उससे, और मतलब इट्स शी इज अ होल डिफरेंट पर्सन विदाउट अ नकाब और समथिंग लाइक दैट? वही तो बोला ना यार, मतलब नकाब पहना है हो या ना हो इसे कोई लेना देना ही नहीं। बस यही मतलब मैं थैंक यू कहता हूँ यार खुदा को कि बहुत अच्छी निकली, अगर ना निकलती तो भी ठीक थी, क्योंकि उसके दिल बहुत साफ है, अच्छी होगी। ओह
जब अलीजे नेपाल आई आपको कैसा लगा? ख्वाब ख्वाब मैं सोया नहीं था वो दिन uh-huh. फिर ही मुझे ख्वाबी लग रही थी. जब लोग इनसे बंदा सोता है तभी मतलब ख्वाब दिखता है uh-huh. पर मैं आंखें खोल के ख्वाब देख रहा था. एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट में उसको देखा, लग रहा था ख्वाब है यार. तो पहली बार ऐसे ख्वाब में आई है इतनी सुंदर चीज, मजा ले लेता हूँ. बस इसे चला अभी तक मजा ले ही रहा हूं. तो आपने सोचा था कि जब आप दोनों साथ हो गए लाइफ मतलब एक साथ हो गए तो लोग आपको इतना प्यार करेंगे, आपने सोचा था? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं. मैंने जो हमारे फर्स्ट लाइफ थी साथ में हुआ हुआ फर्स्ट का वीडियो थी उसमें 1 मिलियन मसाला 1 मिलियन आए थे जो हमारे व्यूज थे कसम से. मतलब सोचता हूँ कभी कभी मतलब हम है क्या, हम तो कुछ नहीं है. जो मिला है मतलब सबकी देखने से और सबकी सोच से मिली है. ओके आपको मतलब कैसे कंट्रोल करते हो आप जब आपको कुछ फैंस मतलब कुछ फैंस अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, आप कैसे कंट्रोल करते हो? कोई ऐसे कोई फैंस मिले आपको कि कुछ साइको फैंस होते हैं, कुछ ऐसे फैंस होते हैं जो लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो आपको मतलब कैसे आप कंट्रोल करते हो अपना एंगर? बिकॉज वी हैवन सीन यू कभी भी एंगर में. नहीं वही बोला ना, एंगर में कभी दिखी नहीं हो क्योंकि मुझे कुछ फील ही नहीं होती. लिमिट क्रॉस करे तो भी ठीक है क्योंकि माँ एक बच्चे को पैदा करते ठीक है. उसका बच्चा कहीं पे कूद जाए किसी की मतलब दरवाजा फोड़ दे शीशा फोड़ दे तो वो तो लिमिट क्रॉस हुई होती ठीक है, तो बताया जाए तो. पर माँ को तो कुछ नहीं होती ना क्योंकि माँ ने उसको पैदा किए वो. तो मेरे लिए वो फैंस भी वही है, वो सब जो कमाया वो सब मैंने पैदा किया हूँ. तो इसी हिसाब से मतलब मुझे तो कोई लगती नहीं यार, जो करे करे, बस ये है कि कुछ बुरी काम ना करे जो खुद को बुरा हो. बाकी सब तो मतलब खुदे मेरे ऊपर जो भी करे ठीक है यार कर लो यार, तुम्हारा ही हूँ तुमने ही बनाया मुझे, कोई लगती है. आपकी फैमिली कैसे मतलब रिएक्ट करती है आपको इतना माशाल्लाह सक्सेसफुल देखकर, और जब आपके फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं, और हमने तो सुना है कि कुछ इंटरव्यू देने के लिए आपके घर तक पहुँच जाते हैं. ये बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि इंटरव्यू में मैंने बोला था आपको कि मैं इंटरव्यू कभी नहीं दूंगा, दूंगा तो उसके मैं दूंगा ठीक है. ये काफ़ी है, ये जितना उसने इधर इंटरव्यू ली क्योंकि मतलब 10-12 चैनल से जाके इंटरव्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल. बाद में होंगे तो करेंगे, अभी तो मतलब बस एक ही है कि अपना जो है चल रहा है, जो कुछ है जो कुछ फील कर रहा हूँ वही बताने की, तो इसी जरिए से कर रहा हूँ. तो इससे बिल्कुल मत करिएगा ठीक है. तो क्या थी प्रश्न मतलब? खुद ही रिएक्ट कर पा रहा हूँ फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी. मतलब दादी बहुत यार मतलब दादी को बहुत वो एक बड़ी चीज लगती है दादी को. मतलब फैमिली को सबको तो मतलब अच्छी फील है, ये बहुत कुछ किया यार अभी तक, जो कमाया है बहुत अच्छा कमाया है, बस इसका कुछ ऊपर नीचे कुछ कभी ना हो, बुरे चीज किसी की नजर ना लगे ये बोलते हैं. तो बस ये पर मैं दूसरे की फील करता हूँ ठीक है, हर एक फैमिली की फील करता हूँ, पर सबसे ज़्यादा फील दादी की होती है और करने की दिल करती है. जो दादी बस हंसती थी तो ख़त्म, और करने की दिल करती है. मेन क्वेश्चन, क्या आपको एलीजे पसंद है, मतलब यू लाइक हर और यू लव हर? आई फील हर. यू फील हर? जैसे लोग क्या होते हैं जी, जैसे आपको जुखाम आई मैं फील नहीं कर सकता, मुझे एक जुखाम आई तो मैं फील कर सकता हूँ. बस यही है बात कि मैं खुद को भी फील करता हूँ और इसको भी फील कर सकता हूँ, ये इतना दूर है कि भी हाँ. ओके इन फ्यूचर यू सी योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन, या फिर आप जॉब करोगे, या फिर यूट्यूब, या फिर हाउ इज़ योर माइंडसेट? जब तो बिल्कुल नहीं करूँगा ठीक है, क्योंकि जब मुझे मतलब वो नहीं लगती, मतलब आप किसी के अंडर अगर कोई मतलब वो सिचुएशन आ गई कि करनी है तो बिल्कुल करूँगा क्योंकि तब तो कुछ कर नहीं सकते, अपने पेट पालना है, अपने दादी माँ को देखना है, सबको देखना है, तो जब तो करूँगा नहीं अभी फिलहाल. और यूट्यूब वगैरह और ये सब इसको साथ ही लेके जाऊँगा, जा पहुँचूँगा. और मुझे करनी, मेरी जो थिंकिंग थी वो मुझे खुद का कुछ करनी है,
और खुद का क्या होता है, बिजनेस होती है, बिजनेस वगैरह ऐसे कुछ, तो मेरा करूँगा तो बिजनेस करूँगा अच्छी खासी से खुद का, एक कपड़े वपड़े या कुछ। सो आप अपना बिजनेस जब स्टार्ट करोगे वो आप फौरन रिवील कर दोगे या उसको पहले रन करोगे और बाद में रिवील करोगे कि भाई मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मेरी अभी क्लोथिंग ब्रांड है? नहीं नहीं, मैं रिवील नहीं करूँगा। आप रिवील नहीं करोगे? आप पहले से अभी मैंने कर रहा हूँ तो लोगों को तो पता नहीं होगी ना। हाँ। क्या पता कि अभी भी कर रहा हूँ नहीं किया हमें क्या पता, अभी तो किया ही नहीं ना क्या, क्योंकि मैं क्यों नहीं रिवील करना चाहता, क्योंकि खुद की वो जो मतलब यूज नहीं करना चाहता हूँ यार मैं, जो मुझे मिली है लोग और मतलब कुछ खोल दिया और मेरी 10 सामान बिकनी है तो 10 तो क्या 10,000 भी बिक जाएंगे, मुझे इतना भरोसा आती है, पर मुझे वो अपनी पावर यूज नहीं करनी अभी, क्योंकि लोग को अच्छे भी आने चाहिए ना यार, लोग बस प्यार करते तो इसीलिए नहीं जबरदस्ती की नहीं करना चाहिए, खुद का करूँगा अच्छा वाला करूँगा, जैसे कि टिकटॉक में हमने खुद कमाई खींच के नहीं लगी ना, तो उसी टाइप में उसका भी खुद का करूँगा, खुद आएंगे खींच के नहीं लेंगे, वही है, बाद में पता चलेगी जब अच्छी खासी होगी तब होगी। आप कहाँ पर मतलब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे सेटल होने का सोचते हो या फिर नेपाल इज फाइन विद यू और व्हाट्स इन योर माइंड? सोच तो रहा हूँ सेटल होने के लिए। ठीक है, अभी पहले नहीं थी। हाँ, हमारे उधर पापा के साथ ठीक है, क्योंकि क्या है कि बात नेपाल बेस्ट है नेपाल, पर बात यह है कि थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह अभी लगेंगे थोड़ी टाइम, और इस अभी जो बेस्ट है उससे भी और बेस्ट होने के लिए। तो मुझे क्या है कि मतलब खुद का हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, उसकी सिक्योरिटी के लिए मैं मतलब उधर रहूँगा जब तक नेपाल में वो नहीं होगी। यू मीन अपनी पार्टनर की सिक्योरिटी के लिए? क्योंकि नेपाल में इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि आपने तो आपको पता होगा कैसे खींचते फटे खींचे तो मुझे कैसे खींची थी एक लोग ने, और मैंने कुछ नहीं कहा ठीक है यार खींचो क्या होगी गला है मतलब ये दबा दो टूटे जा रहा, लेकिन उसको नहीं। हाँ, उसको नहीं। ओके, तो आपकी फैमिली इज सपोर्टिव इस फैसले में? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आपकी फैमिली को कैसी लगी आपकी पार्टनर रीजन? बहुत प्यारी, फोन से क्लोज हुए? हाँ बहुत, क्यों नहीं हुए। लाइक दोनों फैमिलीज क्लोज है या फिर वो सिर्फ मतलब टिकटॉक्स में ही क्लोज दिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, टिकटॉक्स में क्लोज नहीं दिखते, बस हमारी जनता की माने थी कि टिकटॉक में साथ दिखे, इसलिए हमारे दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर हम डाल दिए ठीक है, मतलब मामा लोग ने डाल दिए, यूट्यूब में हमने डाल दिए, तो हमारी जो फैमिली है बहुत मतलब नहीं लगता है डिफरेंट रीजन डिफरेंट ये वो, सब एक ही लगती है क्योंकि एक ही खाते एक ही पीते एक ही जगह सोते।